आपने कश्मीर में पोस्टेड जवानों की फोटोज और वीडियो को जरूर देखा होगा। अगर कभी आपने इन जवानों के ड्रेस पे गौर किया होगा तो आपको इनके सर पर एक अलग तरह का हेलमेट दिखेगा जो बाकी जगह पोस्टेड जवानों से अलग होता है। पर क्या आपने कभी गौर किया है वो जवान इस हेलमेट को क्यों पहनते हैं और कैसे ये हेलमेट इतना खास होता है इनके लिए? कश्मीर में सेना के जवानों, पैरा स्पेशल फोर्सेस और जेएनके की स्पेशल पुलिस फोर्स को, सीआरपीएफ के जवान को एक खास तरह के हेलमेट पहनते हैं जो एक टोपी की तरह दिखाई देती है। दिखने में यह टोपी दरअसल एक हेलमेट है और इसे पटका हेलमेट कहा जाता है। इस पटका हेलमेट की खासियत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह पटका हेलमेट साल 1974 में बनाया गया। इस हेलमेट को बनाने में सबसे बड़ी वजह यह थी कि सैनिकों को बाकी दूसरे तरह के हेलमेट पहनने में काफी परेशानी होती थी। यह खास तौर पर सिख सैनिकों के लिए बनाया गया था क्योंकि पगड़ी की वजह से हेलमेट पहनने में सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें ही होती थी। सिख सैनिक पटका को अपनी पगड़ी के ऊपर आसानी से पहन सकते हैं, इसलिए आज भी कश्मीर में ज्यादातर जवान सुरक्षा के लिए पटका को ही पहनते हैं। पटका काफी हल्की और आरामदायक होती है। इसे पहनने के लंबे समय के बाद भी आप थकान महसूस नहीं कर सकते हैं। पटके के अंदर का भाग काफी नरम और मुलायम होता है जिससे सर के ऊपरी हिस्से को भी काफी आराम मिलता है। ठंड के मौसम में पटका सबसे ज्यादा उपयोगी होता है क्योंकि इससे गर्मी का एहसास होता है। पटका हेलमेट सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी कारगर होता है क्योंकि यह सभी तरह के बुलेट्स को यह हेलमेट झेल सकता है। ज्यादातर हेलमेट 7.62 mm और 5.56 mm राउंड की गोलियों के हमले को झेलने में असफल होते हैं, बट वहीं पटका हेलमेट की जब हम बात करें तो 7.62, 5.56 और 9 mm के बुलेट को आसानी से ये झेल सकते हैं और सुरक्षा कर सकते हैं। यहां तक कि पटका हेलमेट जो है AK-47 की गोलियों से भी हमारे जवानों की सुरक्षा करती है। AK-47 की गोलियां पटका के आर पार नहीं जा सकती हैं और हम सब जानते हैं कि कश्मीर घाटी में आतंकवादी AK-47 ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए सुरक्षा के जवानों की पहली पसंद पटका हेलमेट होती है। मौजूदा समय में घाटी में तैनात सेना के जवान, पैरा स्पेशल फोर्सेस, जेएनके स्पेशल फोर्सेस और सीआरपीएफ के जवान पटका हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। पटका हेलमेट और ज्यादा खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह स्वदेशी निर्मित है, यानी इंडिया में ही इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और इसे डीआरडीओ द्वारा बनाया जाता है। अब आप जरूर समझ गए होंगे कि यह साधारण सा दिखने वाला पटका हेलमेट हमारे जवानों के लिए कितना जरूरी है। इस तरह की बहुत सारी खूबियों वाला है पटका हेलमेट लंबे समय से हमारे सुरक्षा बलों की पहली पसंद बना हुआ है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि समय समय पे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और हर तरह के डिफेंस रिलेटेड अपडेट मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।